आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने आपदा ग्रस्त विभिन्न गांवों में पहुंचकर 50 जरूरतमंद परिवारों के बीच हाइजेनिक किट का वितरण किया, तो वहीं कोरोना महामारी के प्रति जन जागरूकता का अभियान भी चलाया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र अरविंद नगर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना, जहां गरीब परिवारों को हाइजीनिक किट भी वितरण की गई और उनकी जरूरतों का सामान उपलब्ध कराया गया। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने कोरोना को लेकर भी जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लोग मास्क का प्रयोग अवश्य करें और अपने हाथों को साबुन से जरूर साफ करें। सितारगंज शाखा ने आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का जो है दौरा किया, उसी के क्रम में हमें जो है मुख्यालय से एक किट प्राप्त हुई, हाइजेनिक किट। उसको जो है आपदा ग्रस्त लोगों में जो आपदा से पीड़ित हो गए थे उन लोगों में जो है आज हमने आपदा किट जो है हाइजेनिक किट जो थी वो हमने वितरित की। उसी के साथ हमारे साथ जो है सोनू जायसवाल जी, अनवास सुहेल जी और रविंदर जिंदल जी, शिवम सिंगल जी, इन सभी पूरी टीम ने आज अरविंद नगर गाँव में पहुंचकर करीब 50 से 100 लोगों को हाइजेनिक किट का वितरण किया और वहीं उनको भरोसा दिलाया कि अगर प्राकृतिक आपदा भविष्य में भी कभी ऐसी आती है तो रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके सभी रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों ने हाइजेनिक किट जो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आई थी उनका वितरण किया है। उसमें हमारे साथ जो रहे हैं सहयोगी रवि रस्तोगी, अनवार सुहेल, शिवम सिंगल, अंशुल अग्रवाल, रविंदर जिंदल, ये सब लोग उपस्थित हैं। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने भरोसा दिलाया कि लोगों की मुसीबत में रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा उनके कंधों से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी रहेगी। सितारगंज से दीपक भारद्वाज, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार।